आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kmasnews.com। सोशल मीडिया पर देखने के लिए टाइप करें के मास। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंड नगर में, और यहाँ के अधीक्षक हैं माननीय एजे अंसारी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इस समय वायरल फीवर चल रहे हैं, तमाम बीमारियां चल रही हैं बरसात की वजह से, तो इसके बारे में मतलब क्या, मतलब इसका रोकथाम है क्या, इसकी पहचान है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा? तो डॉक्टर साहब, इस समय कौन कौन सी बीमारियां वायरल में चल रही हैं? इस समय सबसे ज़्यादा तो सर्दी बुखार का मरीज़ मिलेगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है, गर्मी से हम अब ठंडी की तरफ जा रहे हैं, तो मौसम बदलने की वजह से ज़्यादातर सर्दी जुकाम बुखार ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और इनसे बचने के लिए सबसे ज़्यादा तो हमको साफ़ सफाई का ध्यान होता है, प्लस बॉडी को हाइड्रेट रखना होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ग्लूकोज पिएँ, ORS पाउडर पिएँ, दाल का पानी पिएँ, ये सब चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। डॉक्टर साहब, जो जैसे इससे बचने का उपाय के, मतलब जैसे लोग जागरूक कैसे हों, जो कैसे बचेंगे इसके बारे में? उसके लिए हमारा प्रोग्राम चलता है संचारी वाला, उसमें हम लोग आशाओं के थ्रू घर घर जाया जाता है, उसमें बताते हैं वो लोग कि साफ सफाई रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें, जो पानी इकट्ठा हो उसको सफाई करवाएं, मच्छरदानी लगा के सोएं, पूरे कपड़े पहने, मतलब पूरी आस्तीन के पूरे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को रोग हो गया तो उसके लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाए? प्राथमिक उपचार में वही मैंने पहले बताया ना कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है, कि पानी की कमी ना हो शरीर में, और तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से मिले। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब सरकार की तरफ से मतलब जनता को कैसे जागरूक किया जाए कि जो दवाएँ सरकार की तरफ से मिल रही हैं तो कैसे जनता तक उपलब्ध हो पाएंगी? अस्पताल में आएंगे तो सबको दवाइयाँ मिलेंगी, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर अपना दवा देगा। यहाँ मतलब जांच के बाद हाँ सब होता है यहाँ। तो अभी हमारी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि संचारी रोग जो इस समय चल रहे हैं, इनसे बचने के लिए सर्वप्रथम आप अपने यहाँ साफ सफाई कीजिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए, मच्छरदानी लगाइए, आस पड़ोस में पानी नहीं इकट्ठा होने पाए, और जैसे ही बीमारी के लक्षण आपको पता चलता है तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहां से संपर्क करें और अपना इलाज करवाएं। आप देख रहे हैं के मास न्यूज, संवाददाता अखंड नगर, राम सकल गौतम की रिपोर्ट।